गाइज आपकी कंप्यूटर पे जो सी ड्राइव है वो कम स्पेस के वजह से अगर रेड कलर पे शो होता है, इसका मतलब इसके पीछे तीन रीजन है। नंबर वन के आपकी जो सी ड्राइव है, आप पर्सनल डेटा वगैरह सब कुछ सी ड्राइव पे स्टोर करते हो, इसके वजह से। नंबर टू, आपकी जो सी ड्राइव है वो जब आप फॉर्मेट किए होंगे तो उसका स्पेस आप कम रखे होंगे, इसी वजह से। नंबर थ्री के आपकी जो सी ड्राइव है उस पे आपका जो पुराना ओएस है आप अपडेट कर चुके हो विंडोज 10 पे, तो आपका जो ओएस है पुराना वाला वो उसके अंदर ही स्टोर है, इसी वजह से। तो दोस्तों जो नंबर थ्री है वो मैं आज आपको बताऊंगा कि उस ओएस को कैसे आप हटाएंगे, और आपका रेड है वो क्यों है, और कैसे आप रेड से ब्लू में लाएंगे। सो गाइस बिफोर स्टार्ट द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। चलो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अगर मेरा सी ड्राइव पे जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो सी ड्राइव मेरा जो है ग्रीन है, ठीक है। बाकी ये जो ड्राइव है ये रेड है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो सी ड्राइव जब हमारा रेड होता है, यानी कि सी ड्राइव को हमें फ्री करना है, ठीक है, स्पेस को हमें बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाए, यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 97 GB यहाँ पे है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे विंडोज 10 लोड है, तो विंडोज 10 लोड होने में तो 15 GB तक लगता है, तो हमें 20 GB अप्रोक्सीमेटली मान के चलते हैं, ठीक है। तो 20 GB बाकी जो स्पेस है हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सॉफ्टवेयर है, मतलब के ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम तो 20 GB में ही लोड हो जाता है, बाकी जो सिस्टम बाकी जो सॉफ्टवेयर है लाइक आपका जो कुछ भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो गया हो, क्रोम ब्राउज़र एट्सेट्रा जो आपके काम के लिए आप इंस्टॉल करेंगे बाद में, ठीक है, वो सारा सॉफ्टवेयर के लिए, बाकी स्पेस हमको चाहिए। तो यहाँ पे सी ड्राइव है, अगर ये रेड हो गया है यहाँ पे आप देखना स्पेस कितना है। अगर आपका 10 हो, विंडोज 10 हो, तो स्पेस थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पे देखना कि टोटल स्पेस कितना है, ठीक है। ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा है, ठीक है। आप 100 से लेके 150 GB तक रख सकते हो, अगर मेरा ओपिनियन माने तो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 97 GB है। तो यहाँ पे देखो, पहला जो मैं बता रहा था ना कि आपके जो पर्सनल डेटा वगैरह अगर आप स्पेस स्टोर करते हो तो भी ये रेड हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, पहला तो डेस्कटॉप, अगर आप डेस्कटॉप में जो कुछ भी रखते हो तो यहाँ पे ही आके स्टोर होता है। नंबर टू, डाउनलोड्स, ये जितने सारे फाइल है मेरा सी ड्राइव पे ही है। डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे भी जितने सारे फाइल्स वगैरह है ये भी सी ड्राइव पे ही स्टोर होता है। पिक्चर्स पे भी जो कुछ भी है वो भी सी ड्राइव पे ही स्टोर होता है, ठीक है। अभी नंबर टू, अब फॉर्मेट करते समय इसे अगर आप कम रखे हो तो आपको बढ़ाना है। तो अगर आपका एसेंशियल चाहिए ही, मतलब कि रेड हो गया है ये, कुछ भी आप इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हो इसके वजह से, तो आपको तो फॉर्मेट करना ही होगा, क्योंकि पार्टीशन तो यहाँ से आप ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि वो ओएस इसके अंदर है, ठीक है। तो आपको दोबारा से उसे रीइंस्टॉल करके इस ड्राइव को ज़्यादा स्पेस बढ़ाना होगा, ठीक है, वो तो अलग सी बात है। लेकिन ये जो पहला है, आप तो अगर इस पे है जितने सारे डेटा आप कॉपी करके ये जो दो ड्राइव है आपका होंगे फ्री उस पे आप रख लो, ठीक है। नंबर थ्री क्या करना है, अगर मान लो आपका जो पर्सनल डेटा आप कुछ भी रखे नहीं हो तो फिर भी ये रेड हो गया है, तो देखो यहाँ पे डबल क्लिक करो, तो इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सब फाइल है, और यहाँ पे एक फ़ाइल आपको नज़र आएगा विंडोज़ ओल्ड करके, ठीक है, विंडोज़ ओल्ड जो मैंने डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो विंडोज़ ओल्ड, तो विंडोज़ ओल्ड जो होगा वहाँ पे आपका 15 GB तक स्पेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको आपको डिलीट करना है, तो उसको डिलीट करने के लिए यहाँ पे आप राइट क्लिक करके या फिर कंट्रोल शिफ्ट दबा के डिलीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उसको डिलीट करने के लिए यहाँ पे मैं बैक पे आ जाऊँगा, उसके बाद यहाँ पे सी ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ के जाने के बाद यहाँ पे डिस्क क्लीनर पे एक ऑप्शन मिलेगा हमको, ठीक है, तो इसे हम क्लिक कर देंगे। इसे क्लीन करने ही यहाँ पे बहुत सारा ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ढूंढना है, ठीक है, जो सारे टिक है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है, और जितने सारे अनटिक है वो डिलीट ही होगा। तो यहाँ पे आपको ढूंढना है विंडोज़ ओल्ड या फिर ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर ओल्ड ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। तो आपको ढूंढना है, ढूंढने के बाद उसे बस टिक कर देना है। मान लो विंडोज़ ये ओल्ड जो मैं ढूंढ रहा था वो ये वाला फाइल है रिसाइकल बिन, तो मैं ऐसे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो टिक कर देना, उसके बाद यहाँ पे ओके कर देना है, ठीक है। ओके कर देने के बाद यहाँ पे डिलीट फाइल आएगा, तो आपको डिलीट करना है। डिलीट करते वक्त वो ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी कि 5-6 मिनट तक या फिर 10 मिनट तक भी लग सकता है, क्योंकि वो जो ओल्ड फाइल है वो 15 GB से ज़्यादा हो सकता है, तो वो टाइम लगेगा, ठीक है। तो ओल्ड फाइल को अपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद डिलीट कर दो। तो डिलीट होने के बाद ये तो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं है, मेरा पहले से ही डिलीट किया हुआ है, तो यहाँ पे ओके कर दो, ठीक है।
उसके बाद देखना कि आपकी जो स्पेस है ये ग्रीन हो जाएगा, यानी कि जो स्पेस है वो फ्री हो जाएगा। 15 GB तक स्पेस फ्री होता है, तो बहुत स्पेस होता है वो, तो आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, एक बार ट्राई करके देख सकते हो, अगर आपका वो इस ओल्ड वाला है तो वो हट जाएगा, तो आपका स्पेस। सो गाइस, इसी तरह से आप स्पेस जो है वो क्लियर कर सकते हो, ठीक है, विंडोज़ में। तो दोस्तों, बाकी यार वीडियो आज का इतना ही था। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल से मिलता रहता है। ठीक है गाइस, सो गाइस, सी यू द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।